में डीजे के ऊपर ऐसे उड़ा देंगे, लेकिन कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो, वहां देना पड़ जाए तब नहीं दे पाएंगे। ये सब महाराज उन प्रभु के हुक्म के बिना नहीं होता है। और आज पत्नी ने भी कह दिया, रोती रोती कह दिया, महाराज वो तो अभी संसार में ही नहीं रही। एक दूसरे ग्वाल वाले के ऊपर चढ़े और सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया। कौन? और कन्हैया ने माखन की मटकी में हाथ डाला, लेकिन घंटी नहीं बजी। बोलिए भद्रवत्सल भगवान। और माखन निकाल करके मित्रों को खिलाया, लेकिन घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने माखन निकाल के अपने मुख में डाला कि घंटी जोर से बज पड़ी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और सारी गोपियां आई और आकर के पकड़ ली। आज प्रभु कहने लगे, हे घंटियों, जब मैंने बजने के लिए मना किया था तो तुम बजी क्यों? आज घंटियां कहने लगी, प्रभु जब तुम्हारे मित्रों ने भोग लगाया हम नहीं बजे, लेकिन जब आपने भोग लगाया तो हम इसलिए बजी। अगर आज हम नहीं बजती तो शास्त्रों में लिखी हुई बात गलत मानी जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि जब भी भगवान को भोग लगाओ, भगवान की आरती करो तो घंटी जरूर बजाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इसलिए महाराज आज हम बज पड़े तो देखो हमारे प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन प्रभु बैठे बैठे क्या सोचने लगे कि माँ यशोदा मुझे रोज माखन खिलाती है और मैं भी माखन खाता हूं, आंगन में नाचता हूं और माँ बड़ी खुशन होती है, लेकिन मैं माखन खाने थोड़ी आया हूं, मैं क्यों आया हूं? संतों की गौ माता की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और देखो अगर धर्म का काम करना है तो त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्याग। जैसा त्याग आपने किया, अगर घर के कामों को नहीं त्यागते तो क्या सत्संग मिलता? नहीं मिलता। धर्म का काम करना है तो त्याग करना पड़ता है। अगर जीवन जीना है तो परहेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परहेज। अगर मरना चाहते हो तो परहेज मत करना। देखो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बीमार हो गया और घरवाली बोलने लगी कि कल आप अपने सारे टेस्ट करावा के आना। और पति भी आज देखो सुबह ही चला गया, कैसे भूखे पेट, क्योंकि डॉक्टर टेस्ट कैसे करते हैं? भूखे पेट करते हैं। और देखो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने भी क्या बोला कि महाराज जीना चाहते हो तो परहेज करना पड़ेगा, अगर ठीक होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? परहेज का मतलब होता है त्याग। क्या क्या परहेज, क्या त्यागना पड़ेगा? आप तो सब जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। क्या नहीं खाना है? चावल, कड़ी, अचार नहीं खाना है। और वो व्यक्ति क्या करता रहा? जी डॉक्टर जी, जी डॉक्टर जी, सिर हिलाता रहा। और महाराज दवाई लेके शाम को घर पहुंच गया और महाराज सीढ़ियों के ऊपर से आवाज लगाने लगा, हे भाग्यवान कहां हो,
जल्दी से आओ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। और घर वाली भी आई, देखो पूछने लगी, स्वामी ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? वो तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तूने बनाया क्या? करूं, सुबह से मैं भी काम में लगी थी और मैंने भी जल्दी जल्दी में क्या बना दिया, कड़ी और चावल। अब देखो सोचने लगा कि डॉक्टर ने तो मना किया है, लेकिन आज खा लेता हूं, फिर ना जाने कब मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो परहेज भी किया, कड़ी चावल खाए और ऊपर से क्या खा ली, दवाई। और शाम को हो गया रिएक्शन और अगले ही दिन पंडित जी को बुलाना पड़ा। क्या लेके, क्यों लेके, ये क्यों बजा? क्योंकि आज उसने परहेज नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति रुक जाता, कहता कि दो चपाती बना दे, तो क्या हो पाता? कहते हैं कि जीवन जीना है, धर्म का काम करना है, तो त्याग करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। देखो हमारे प्रभु कितनी जगहों पर रहे, कितनी जगहों पर रहे हमारे प्रभु, चार जगहों पर। कितनी, कौन कौन सी? सबसे पहले भगवान कहां प्रकट हुए? दूर से बोलो, मथुरा में। कहा मथुरा से कहा गए? गोकुल से कहा गए? जोर से बोलो, वृंदावन। और वृंदावन से द्वारिका। कहा गए? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब ये द्वारिका कहते किसे है, कोई भक्त जिसे पता है? देखो कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। द्वारिका कहते हैं हमारे घर के जो मुख्य द्वार के नीचे दहली होती थी, उसे क्या कहते हैं? द्वारिका। मैंने ऐसा क्यों बोला होती थी, क्योंकि अब आपने देखा होगा जो पुराने मकान होते थे, हमारे कच्चे मकान, जो घर का मुख्य द्वार होता था उसके नीचे एक दहली बनाई जाती थी और उस दहली के ऊपर एक चक्कर भी बना होता था। और वो चक्कर बना होता था, जो चक्कर शालिग्राम भगवान के ऊपर बना होता था। अब शालिग्राम भगवान किसने देखे? हाथ खड़े कर, ऊंचा हाथ, इतने भक्तों ने देखे। देखो जब आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कराते हैं, तो पंडित जी जो काले काले भगवान होते हैं उनका पूजन नहीं कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये शालिग्राम भगवान कहां प्रकट होते हैं? नेपाल में गंडकी नदी में। और देखो शालिग्राम भगवान का कभी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। और शालिग्राम भगवान के अंदर स्वर्ण होता है, सोना, चाहे थोड़ा सा ही होगा लेकिन जरूर होगा। वो देखो जो चक्कर शालिग्राम भगवान के ऊपर बना होता था, वही चक्कर द्वारिका के ऊपर बना होता था। और हमारी माताएं क्या करती थी, सुबह उठ करके स्नान करने के बाद एक कलश द्वारिका के पास रखती थी और द्वारिका का पूजन करती थी और कहती थी, हे द्वारिकाधीश, इस द्वारिका के अंदर सुख शांति हो, बरकत हो। और देखो उस समय हमारे घर में थी, एक ही परिवार में 20-25 लोग रहने वाले होते थे और 2-3 नौकरी करने वाले होते थे, लेकिन फिर भी घर में कितनी सुख शांति से रहते थे, कितने प्रेम से रहते थे। आज घर में 5 लोग हैं, 5 कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों? द्वारिका को उखाड़ दिया। और अगर कोई बहू महाराज चप्पल पहन के द्वारिका के ऊपर खड़ी हो जाती थी,
तो बूढ़ी अम्मा कहती थी तू लक्ष्मी नहीं है, तू क्या है? वो लक्ष्मी है। क्या है? और देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक पति व्रता स्त्री जितनी बार नंगे सिर घर के मुख्य द्वार की दहली को लांघेगी उतनी बार घर में धन की हानि और बीमारियां बढ़ेगी। आज देखो हमारी चप्पल महाराज रसोई घर में भी नहीं खोलती है। अगर समझाए तो क्या बोलते हैं, पंडित जी हमने तो स्पेशल रसोई घर के लिए रखी है। कहां के लिए? अब इन बुद्धिमान लोगों को कौन समझाए कि चप्पल पहन के भोजन कभी नहीं बनाते। आज हम भोजन बनाना भूल गए, भोजन करना भूल गए और रिश्ता लगाना भी भूल गए। बोलिए भगवत भगवान की। एक बार देखो एक व्यक्ति का विवाह हुआ और आज सास बहू को घर में समझाने लगे, देख बेटे हमारे घर में सब जी करके बोलते हैं। क्या करके? मुझे क्या बोलना है? जोर से बोलो मम्मी जी। और ससुर को क्या बोलना है? पापा जी या डैडी जी। और देवर को क्या बोलना है? भाई जी। अभी समझा ही रही थी कि कोई दरवाजे के ऊपर आ गया, आवाज आई और कहने लगी बहू जाके देखना तो सही कौन आया है। और बहू ने भी जा करके दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सामने कौन खड़ा है? सामने तो पतिदेव खड़े हैं। और महाराज सास फिर आवाज लगाने लगी कि बहू कौन आया है? अब बहू भी चक्कर में पड़ गई, क्या बोलू? कहा कि मुझे तो बोलना है मम्मी जी, ससुर को बोलना है पापा जी, देवर को बोलना है भाई जी। तो आज बहू भी बोल पड़ी मम्मी जी, बड़े भाई जी आए। तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई हमारी, हम लोगों को आज रिश्ता लगाने का भी पता नहीं है। धीरे धीरे हम लोग भोजन करना भी भूल गए, भोजन बनाना भी भूल गए। देखो पशु कैसे भोजन करते हैं, बैठ के कि खड़े होके? खड़े होके। और मानव को कैसे भोजन करना चाहिए? बैठ करके। लेकिन आज आप क्या करते हैं? जब स्टैंडिंग भोजन ले जाते हैं, जिस तरह से पशुओं को एक जगह डाल दिया जाता है, हम लोगों को भी पशुओं की तरह डाल दिया। जिस तरह से पशु एक जगह खड़े होकर खाते हैं, हम भी महाराज खड़े होकर खाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। लेकिन करते क्या है? खाते थोड़ा सा है और व्यर्थ ज्यादा करते हैं। जीवन में याद रखना अन्न की निंदा कभी मत करना। जो लोग आज अन्न की निंदा कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब पता चलेगा अन्न का महत्व क्या होता है। पूछो उन लोगों से जिनके घर में सुबह भोजन किया जाता है, शाम को परिवार वालों को भोजन खिलाने के लिए एक पिता पूरा दिन झाड़ी लगाता है। पूछो उससे कैसे परिवार वालों को खिलाया जाता है। देखो अन्न की निंदा कभी मत करो। आज हम धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार। और आज माताओं से एक बात पूछूंगा। देखो हमारी माताएं जब किसी के चरण स्पर्श करती हैं तो कैसे करती हैं? दुपट्टे से। क्यों करती हैं? मैं यहां देख रहा था कुछ माताएं सीधे ऐसे हाथ स्पर्श कर रही थी, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, दुपट्टे से ही स्पर्श करने चाहिए। क्यों किए जाते हैं दुपट्टे से? आपने देखा होगा कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं पहले दुपट्टे से ही स्पर्श करती थी, अब बताओ क्यों करते हैं? क्या कारण है? बात नहीं करनी किसी से, बताइए क्यों करते हैं?
नहीं पता। देखो एक पति व्रता स्त्री को एक ही चरणों के साथ हाथ लगाने का अधिकार है केवल अपने पति के। अन्य के चरण स्पर्श करे तो दुपट्टे से ना कि हाथ से। और देखो सुहागी क्यों देते हैं, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी माताएं इस संस्कृति को भी खत्म कर रही है। क्या कर रही है, कार्ड में एक बिंदी का पत्ता डाल के दे रही है। ऐसा मत करो, आप अपने ही सुहाग की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये कोई गिफ्ट नहीं है और सुहागी कभी हाथ में नहीं देनी चाहिए, पल्ले में से पल्ले में ही डालनी चाहिए। आज हमारी माताएं बोलेगी पंडित जी हमें आज कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि घर में सुख शांति चाहते हो तो अपने संस्कृति अपने संस्कारों को अपनाना ही पड़ेगा। देखो हमारे शास्त्रों में बताया है कि प्रत्येक माता को नित्य पांच महायज्ञ करने चाहिए। ये पांच महायज्ञ कौन से हैं? प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब भोजन बनाए तो पहले कितनी रोटियां बनानी चाहिए, जोर से पांच रोटियां। कितनी? पहली रोटी किसके लिए, जोर से बोलो सभी, गौ माता के लिए। दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी कौवे के लिए, चौथी रोटी। जहां पर भोजन बनाते हैं वहां अग्नि में पांच आहुतियां करनी है और पांचवी रोटी का भगवान को भोग लगाना है और उसे अपने पूरे परिवार में बांटना है। ये पहले होता था हमारे घरों में, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। अब क्या होता है, पहली रोटी बन के तैयार होती है कि पति देव पहुंच जाते हैं। कहां के लिए लेट हो रहे हैं, ड्यूटी के लिए। किसकी थी पहली रोटी, किसको खिला दी, क्या बना दिया, तभी तो कुछ बोलते नहीं है मुख से। और दूसरी रोटी बन के तैयार हुई कि कौन आगे, बच्चे। कहां के लिए लेट हो रहे हैं, होते कितने एक या खाते कितने आदि आदि। किसकी थी, किसे खिला दी, क्या बना दिया बच्चों को। और सुबह जब महाराज स्कूल भेजा बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के, लेकिन शाम को जब घर आए तो ऐसी स्थिति कि महाराज ना जाने कितने दिन होंगे वस्त्रों को धोया ही नहीं। और तीसरी रोटी बन के तैयार होती है वो किसकी होती है। और हमारी माँ बहन सोचती है मैं भी सुबह से काम में लगी हूं अब मैं भी खाई लेती हूं। और तीसरी किसने खा ली, स्वयं खा ली। किसकी थी और सुबह से लगी, मैंने नहीं बोला। माताएं खुद बोल रही है कि सुबह से लगी कड़ा कड़ा करने शाम तक कोई खत्म नहीं हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और शाम को पतिदेव आए तो कहने लगे मेरे पिता ने भी मुझे कैसा घर देखा था, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा दिख जाता। हे माँ हे बहन, माता पिता ने अच्छा घर देखा था, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को अपने संस्कारों को मत भूलो। आज प्रभु मन में विचार करने लगे कि धर्म का काम करना है तो त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग, जैसा त्याग प्रभु श्री राम ने किया, पहन करके गए थे लेकिन वो भी चित्रकूट से भरत के हाथों वापिस भेज दी और नंगे पांव बन बन भट गए। आज कन्हैया मन ही मन सोचने लगे और प्रभु ने ऐसी लीला की कि
आज नंद बाबा भी बैठे बैठे क्या सोचने लगे कि रोज गोकुल में कोई ना कोई राक्षस आता है और हमारे बच्चों को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए अब हम इस गोकुल को छोड़ देना चाहते हैं। आज ब्रजवासियों को बुला दिया और नंद बाबा का भाई घनानंद कहने लगा, एक बहुत सुंदर स्थान है, कौन सा? वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुण्यवाली जगह, वृंदावन जहां पर कल कल करती हुई यमुना महारानी बहती है और जहां पर गिरिराज महाराज है। देखो आज भी वृंदावन में भगवान आते हैं, कौन सी जगह पर? निधि वन में। कौन सी जगह? जो भक्त गए होंगे उन्होंने तो देखा होगा कि निधि वन में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में रात्रि को आरती के बाद सोना श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है और पुजारी उस कपाट को बंद करके घर चला जाता है, लेकिन सुबह आकर के मंदिर के कपाट को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सारी सामग्री प्रयोग की हुई मिलती है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो प्रयोग की हुई ना मिलेगी, लेकिन रात्रि को वहां अंदर कोई भी जीव नहीं रहता है। अगर कोई वहां रह जाए या देख ले, या तो वो पागल हो जाता है, ये संसार से ही चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और देखो जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है उसे बनाया नहीं गया है, उसे हरिदास जी ने अपनी भक्ति के द्वारा प्रकट किया है। और आप जब वृंदावन जाओगे देखोगे किस तरह से विदेश के लोग आ करके हमारे देश में आके हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों को भुला दे और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं फिर महाराज हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए कैसे नहीं पहनने चाहिए। अगर पहले कोई फटे वस्त्र छोटे वस्त्र पहनता था तो लोग बोलते थे बड़ा गरीब है क्या है जी, लेकिन अब कोई फटे वस्त्र पहने तो क्या बोलते हैं, बड़ा मॉडर्न है क्या है। देखो हमारे शास्त्रों में फटे वस्त्र निषेध बताए गए, जो फटे वस्त्र पहनता है वो दरिद्री होता है। और अब तो महाराज फैशन बन गया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज सारे ब्रजवासी वृंदावन चलने के लिए तैयार हो गए और सभी कहां पहुंच गए, वृंदावन। अभी देखो वृंदावन में कोई घर नहीं थे तो वृंदावन में जा करके रथों के नीचे ही रहने लगे और वहां पर आज भगवान को क्या आज्ञा हुई कि अभी आप बछड़ों को चराओ। क्या चराओ? क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी गैया चराने नहीं जाते, अभी अपनी मंडली को लेकर के जाते हैं क्या चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए। और बलराम जी जाते हैं गैया चराने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज कन्हैया अपने मित्रों के साथ गए थे और वहां पर एक असुर और पहुंच गया जिसका नाम है अघासुर। क्या नाम है? अघासुर। प्रभु का गुणगान करें फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। और जो घर से लाए हैं सब मिलके खाते हैं और हमारे कन्हैया छोटे छोटे ग्वालों को अपने साथ यमुना के किनारे ले गए और सबके बीच में बैठ गए कन्हैया और सब बैठ गए चारों तरफ। अब क्या करने लगे?
सब ग्वाल जब भोजन करने लगे तो कन्हैया कभी किसी के हाथ से छीनते तो कभी किसी के हाथ से, और खाते खाते नाचने लग जाते, तो कभी कभी खाते खाते दौड़ लगाने लगते। और यही सब देख रहे होते ऊपर से ब्रह्मा जी, ये कैसा भगवान है, खाते खाते नाच रहा, एक दूसरे का झूठा खा रहा। और उसी समय कन्हैया अपने एक मित्र से बोल पड़े जिसका नाम था महुमंगल। देखो जिनके घर में गरीबी थी और पूर्णवासी मां ने मधुमंगल को कन्हैया के साथ छोड़ दिया था, आज कन्हैया ने सबके बीच कहा मधुमंगल आज मैं तुम्हारे घर का भोजन करना चाहता हूं। और मधुमंगल ने सुना कि सीधा घर की ओर दौड़ पड़ी और घर में जाके मां से कहने लगा, मां बताओ क्या बनाया है। आज मां सबके बीच पहली बार कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हारे घर का भोजन करना चाहता हूं। मां कहने लगी, बेटा घर में तो चार पांच दिनों की खट्टी कड़ी पड़ी है। देखो मधुमंगल ने कुछ भी नहीं सोचा, उस खट्टी कड़ी की मटकी को उठाया और सीधे दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। लेकिन जैसे भगवान के समीप पहुंचा तो मन में सोचने लगा, सब कन्हैया को मांगकर मिश्री खिलाते हैं और कन्हैया ने पहली बार खिलाने को कहा और मैं खट्टी कड़ी में है, मैं नहीं पिलाऊंगा। और यही सोच करके मधुमंगल उस मटकी को स्वयं पीने लगे। और जब गट गट की आवाज आने लगी कन्हैया ने सुना तो दौड़ते हुए आए और मधुमंगल से उस मटकी को छीना और सारी कड़ी स्वयं पी गया। अब देखो मधुमंगल जब कड़ी को पी रहा था और पीते समय मुख के बाहर जितनी भी लगी थी आज कन्हैया अपनी जीभ से खाने, और यही सब देख रहे थे आकाश में खड़े होके ब्रह्मा जी, ये कैसा भगवान है जो एक दूसरे का झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। चलो चल करके इसकी परीक्षा देता हूं। आज देखो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा देने के लिए वृंदावन आए, क्या किया, जितने भी बछड़े थे सब बछड़ों को उठा करके ले गए कहां ब्रह्मलोक। और कन्हैया आज ग्वालों से कहने लगे, आप सभी भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के आता हूं। और हमारे प्रभु बछड़ों को ढूंढने के लिए गए कि ब्रह्मा जी द्वारा आए और सब ग्वालों को भी उठा के ले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। अब कन्हैया को जब बछड़े नहीं मिले और वापिस आए तो क्या देखा, ग्वाले भी नहीं है। उसी समय प्रभु ने ध्यान लगाया कि क्या देखा, ये सारी करामात किसकी है, किसकी है, ब्रह्मा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान चाहते तो उसी समय बछड़ों को ग्वालों को छुड़ा के ला सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान एक साल तक बछड़े भी बने और ग्वाल भी बने। क्यों बने, देखो एक बार मां यशोदा गौ माता का दोहन कर रही थी और कन्हैया घुटमन घुटमन चलते हुए आए और मां की गोदी में चढ़ करके स्तन पान करने लगे। और यही सब देख रही थी गैया। आज गौ माता के मन में भाव आया, क्या कन्हैया कभी ऐसा हमारा दूध पिएगा। और इन गौ माता की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रभु उतने ही बछड़े बन गए। बाल क्यों बने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मां यशोदा कन्हैया के माखन खिलाती
और आंगन में कन्हैया के साथ खेलती। कभी जानबूझ करके कन्हैया के पीछे दौड़ती तो कन्हैया बहुत दूर तक जाते और जोर जोर से किलकारियां मारते। यही सब देख रही होती गोपियां। आज गोपियों के मन में भाव आया, क्या कभी हम कन्हैया से इतना प्रेम कर पाएंगे? आज इन गोपियों की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रभु इतने ही बार दान बन गए और एक साल तक बने रहे। एक साल के बाद आज बलराम जी क्या देखने लगे कि गौ माता बछड़ों से पहले जितना प्रेम करती थी आज 10 गुना कर रही है। और जैसे ध्यान लगाया तो क्या देखा, पहले किसी बछड़े में किसी देवता का दर्शन होता था, लेकिन आज सब बछड़े में सब ग्वाल में किसका दर्शन हो रहा है? कन्हैया दौड़ के आए, कन्हैया ये मैं क्या देख रहा हूं? आज प्रभु कहने लगे भाई ये सारी करामात ब्रह्मा की है। और एक साल बाद देखो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, जरा चढ़ करके देखूं तो सही ये वृंदावन का भगवान कैसे है। रह रहा है बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ब्रह्मा जी देखो वृंदावन आए और कन्हैया ने ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और ब्रह्म लोग चले गए। और आज ब्रह्मा जी के पहरेदारों से कह दिया कि कोई ब्रह्मा का स्वरूप बना के घूम रहा है, अगर आएगा तो डंडे मार के भगा दे। और स्वयं देखो ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। और इधर जैसे वृंदावन ब्रह्मा जी आए तो क्या देखे, जितने भी ग्वालों को बछड़ों को उठा करके ले गए थे सब के सब वैसे ही वहां पर रहे। अब ब्रह्मा जी का सिर भी चकराने लगा और दौड़ करके ब्रह्म लोक का आया। लेकिन पहरेदारों ने आज रोक दिया, बाबा जी हम जानते हैं आप हमारे स्वामी नहीं है, यहीं से वापिस चले जाओ नहीं तो देख लो हाथ में मोटे मोटे डंडे। अब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे आज मेरे पहरेदार मुझे डरा रहे हैं। और ध्यान लगाया तो क्या देखा, ये कन्हैया तो साधारण नहीं साक्षात नारायण है और वही ब्रह्मा का मेरा रूप बना के अंदर बैठे हैं। आज देखो ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और ब्रह्मा जी एक साल के बाद बच्चों को कुमारों को भगवान के पास लेके आए, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। लेकिन भक्तजनों आज कन्हैया ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आज ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया, कहा कि जो लोग अच्छे काम से जाने से रोकते हैं, सत्संग में जाने से लोगों को रोकते हैं, भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करते। देखो अगर आप स्वयं नहीं जा सकते तो दूसरे को भी मत करो। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया तो हम लोग क्या है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो लोगों को धर्म के काम के साथ जोड़ते हैं। लेकिन आज देखिए हम लोगों का कर्म ही ऐसा है, भगवान भी क्या करेंगे, स्वयं तो जाएंगे नहीं लेकिन दूसरे को भी रोकेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे एक और सुंदर कथा आती है चीर हरण की कथा। आज हमारे प्रभु ने
वस्त्रों को चुराया। क्यों चुराया? देखो ये जो गोपियां थी, ये प्रतिदिन कितने बजे स्नान करती थी? 4 बजे। कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान। भी देखो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? पहला स्नान होता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो किया जाता है, वो स्नान होता है देव स्नान। कौन सा? और जो सूर्य उदय से पहले स्नान किया जाता है वो होता है मनुष्य स्नान। और तीसरा स्नान सूर्य उदय के बाद में किया जाता है वो होता है राक्षस स्नान। कौन सा? अब सोच लो आप कौन सा स्नान करते हैं। कहा कि जैसा स्नान करोगे वैसी बुद्धि होगी, वैसे बुद्धि के अंदर विचार आएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां प्रतिदिन 4 बजे उठती है और यमुना जी में स्नान करती है, स्नान करने के बाद पूजन करती है कात्यायनी माता का, लेकिन एक अपराध करती है, ये निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। और आज कन्हैया गोपियों को समझाने लगे, हे गोपियों, कभी भी गंगा जी में यमुना जी में बहते जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का देवता कौन है? वरुण देव। अगर आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करोगी तो वरुण देवता का अपमान होगा। और दूसरी बात, आप स्त्रियां हैं, अगर कोई मन चला व्यक्ति आए तुम्हारे वस्त्रों को उठा के ले जाए, आप बाहर कैसे आओगी? लेकिन आज गोपियां उल्टा भगवान को डांट लेंगी। बड़ा आया हमें समझाने वाला। हम 4 बजे अंधेरे में आती है और उसमें यहां पर कोई भी नहीं होता। हमारे प्रभु मन ही मन सोचने लगे, ये गोपियां ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे प्रभु ने क्या किया? अगले दिन जो गोपियां स्नान करने के लिए आई तो पीछे पीछे प्रभु भी चले आए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज गोपियां स्नान करने लगी कि प्रभु ने सभी के वस्त्रों को उठाया और कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे, और गोपियां जैसे ही बाहर निकलने लगी तो क्या देखा? वस्त्र तो है। तभी गोपियों के मन में भाव आया कि कन्हैया बिल्कुल ठीक कहता है, देखो ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान है, लेकिन ऐसा हमारे साथ कोई भी कर सकता है। आज गोपियों ने कन्हैया से क्षमा मांगी कि कन्हैया आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। देखिए कहते हैं, अन्य जगहों पर किए हुए पाप तीर्थों में जाके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन याद रखना तीर्थों में किए हुए पाप कहीं भी नष्ट नहीं होते। इसलिए तीर्थों में जाके पाप मत करो। आज हम क्या करते हैं? गंगा जी में यमुना जी में स्नान करते हैं और सभी वस्त्रों को वहीं फेंक करके आ जाते हैं। ऐसा मत करो। तीर्थ इसलिए जाओ कि हमारे पाप वहां जाके धुले, ना कि वहां और पाप करके आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं प्रेक्षित, आगे चल करके हमारे प्रभु ने कालिया नाग का मर्दन किया। और आगे एक और सुंदर कथा आती है गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। देखो ये ब्रजवासी किसका पूजन करते थे? जोर से बोलो, ये ब्रजवासी किसका पूजन करते थे? इंद्र का। किसका? और आज इंद्र का पूजन करने के लिए अब
अपने घर में देखो 56 भोग बना रहे और हमारे कलैया घुट मन घुट मन चलते बनाए और दरवाजे पर खड़े होकर के मां यशोदा को टुकर टुकर करके देखने और मां यशोदा भोग लगा रही थी और कन्हैया ने मन में सोचा मैं दौड़ करके जाऊंगा धीरे धीरे और थोड़ा से मिठाई उठाऊंगा और भाग जाऊंगा। और कन्हैया जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े टोकरे में हाथ डाला कि मां यशोदा ने पकड़ लिया। कन्हैया आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? देखो हमारे घर में जब कोई पूजन होता है तो हमारी माताएं क्या कहती हैं बच्चों को। आज हमारे घर में क्या है? जय है। क्या है? आज हमारी यशोदा भी कहने लगी कन्हुआ आज हमारे घर में जय है और पहले जय होगी तब तुझे भोग मिलेगा। और कन्हैया भी रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा ये जय जय कौन है? आज माँ यशोदा इतने भोग बना रही है मुझे नहीं दिया। कहा कि आज हमारे घर में जय है कि जय है कौन? बेटा ये जय है इंद्रदेव। हम सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और जब इंद्र की पूजा करते हैं इंद्र खुश होता है और जब इंद्र प्रसन्न होता है तो इंद्र बारिश करता है और जब बारिश होती है तो हमारे खेतों में हरियाली आती है घास आता है जो हमारी गौ माता के लिए होता है। आज देखिए कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि इस इंद्र के मन में ईर्ष्या आ गई है। आज कन्हैया कहने लगे बाबा अगर हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेगा? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कर्म ना जाने दे जब तुम कर्म नहीं हो रही है। इस जीव को यदि कुछ मिलता है तो इसके कर्म के अनुसार मिलता है। अगर महाराज कर्म नहीं करेंगे तब कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं अगर भाग्य में होगा तो जोर से बोलो। जो लोग ये बोलते हैं वो सुनो। पहले तो ये समझो कि भाग्य बनाता कौन है? क्या भगवान बनाते हैं? नहीं, हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। और जो कहते हैं कि महाराज भाग्य में होगा मिल जाएगा वो सुनो। आज घर जाना एक कमरे के अंदर बैठना अंदर से ताला लगाना चाबी बार फेंकने और बोलना कि भाग्य में भोजन होगा तो अंदर ही मिल जाएगा। बताओ मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान है। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज कहते हैं बाबा कर्म अड़ेम जायते जब तो कर्म रे बलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म रे पत्यते। अगर इस जीव को कहीं सुख या दुख मिलता है तो इसके कर्म के अनुसार मिलता है। फिर हम आज इंद्र की पूजा क्यों करें? बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए कुछ देर प्रभु का संकीर्तन करेंगे फिर भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। संभव प्रतिदिन समय पर आया करें। कितने बजे? 1 बजे। महाराज देख लो 5 दिन तो बीत गए कितने दिन रह गए? कल का ही दिन समझो परसों तो पता ही नहीं चलेगा। परसों तो कथा भी आपको जल्दी आना पड़ेगा उस दिन घर के कार्यों से जल्दी निमित्त होकर तो इसलिए महाराज कल का दिन बचा है तो कल सभी भक्तजन समय पर पहुंचे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं हे प्रभु जो हमारे यजमान जी हैं जिनके घर में ये ज्ञान गंगा बह रही है हे प्रभु
इनके घर में सुख शांति बनी रहे, इनके बच्चे तरक्की करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हे प्रभु, आज जितने भी भक्त जन यहाँ उपस्थित हुए हैं और जितने भी भक्त जन यहाँ सेवा कर रहे हैं, हे प्रभु, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हे प्रभु, कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी रहे, खुशी रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के क्या बोलना।